द्वारका जिले की स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अशोक प्रधान गैंग के दो कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी दिनेश उर्फ बंदर और परवेश उर्फ तोतू के रूप में हुई है। इनके पास से एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, एक देशी कट्टा, कई जिंदा कारतूस, कई आधार कार्ड और एक गाड़ी बरामद की गई है। एसटीएफ द्वारका इंचार्ज पवन तोमर की सुपरविजन में एएसआई विवेक, एएसआई रंधावा, एएसआई अशोक, एएसआई विनोद, एएसआई धर्मेंद्र, एएसआई राकेश, कांस्टेबल आजाद, कांस्टेबल शंभु और कांस्टेबल अनिल की टीम क्राइम और क्रिमिनल पर शिकंजा कसने के लिए अपने अनेकों मुखबिरों और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से द्वारका क्षेत्र में क्रिमिनल गैंग्स की एक्टिविटीज पर बराबर नजर रखे हुए है। डीसीपी द्वारका संतोष कुमार मीना ने बताया कि दिनांक 23 अगस्त 2021 को एसटीएफ टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि अशोक प्रधान गैंग के दो एक्टिव सदस्य दिनेश उर्फ बंदर और परवेश उर्फ तोतू सफेद रंग की स्विफ्ट कार से रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच मुंडेला खुर्द गाँव से आएंगे और सुरेदा मोड़ से होते हुए नजफगढ़ जाएंगे। दोनों वांटेड क्रिमिनल कई मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के मामलों में इन्वॉल्व्ड हैं और साथ ही एक मर्डर केस में पैरोल जंप कर चुके हैं। टीम को यह भी जानकारी मिली कि इनके पास इलीगल हथियार भी है जिनसे यह सीरियस क्राइम को अंजाम भी दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पर तुरंत एक्शन लेते हुए सुनील कुमार एसीपी द्वारका के नेतृत्व में एसटीएफ इंचार्ज पवन तोमर की सुपरविजन में टीम का गठन किया गया। स्विफ्ट कार को दोनों तरफ से घेरने की योजना बनाई गई। इसके लिए टीम को दो भागों में बांटा गया। एएसआई विवेक, एएसआई अशोक, एएसआई धर्मेंद्र, एएसआई राकेश, कांस्टेबल आजाद और कांस्टेबल शंभु की एक टीम ने मुखबिर के साथ मुडेला खुर्द गांव के पास पोजीशन ली। दूसरी टीम में शामिल एएसआई रंधावा, एएसआई राकेश, एएसआई विनोद और कांस्टेबल अनिल ने मुडेला खुर्द रोड नियर बानी फॉरेस्ट एरिया के पास अपनी पोजीशन ली। लगभग 11:50 पर एएसआई विवेक ने एएसआई रंधावा को डैमेज नंबर प्लेट वाली सस्पेक्टेड स्विफ्ट कार के आने की सूचना दी। सस्पेक्टेड स्विफ्ट कार एएसआई रंधावा टीम की पोजीशन की तरफ आ रही थी। सस्पेक्टेड स्विफ्ट कार अपनी ओर आते देख एएसआई रंधावा ने अपनी गाड़ी से रास्ता ब्लॉक कर दिया और अपनी टीम के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर सस्पेक्टेड स्विफ्ट कार को रोकने के लिए सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। लेकिन तेज रफ्तार से आती सस्पेक्टेड स्विफ्ट कार में बैठे एक बदमाश ने टीम पर पिस्टल तान दी और कार की खिड़की से ही एएसआई रंधावा और एएसआई राकेश शव पर गोली चला दी, जिसके बाद एएसआई विनोद ने हवा में एक राउंड फायर किया और बदमाशों को सरेंडर करने को कहा। बदमाशों ने सरेंडर करने की बजाय टीम पर दो गोलियां चलाई और भागने लगे। एएसआई रंधावा और एएसआई विनोद ने पोजीशन लेते हुए अपनी सरकारी पिस्तौल से स्विफ्ट कार की ओर फायर किया, जिससे कार का अगला बायां टायर फट गया और एक और फायर कार के बम्पर में लगी। बदमाशों ने स्विफ्ट कार को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन टायर पंक्चर होने के कारण स्विफ्ट कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सड़क के किनारे से टकराकर रुक गया। कार के रुकते ही दोनों बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। सस्पेक्टेड बदमाशों की पहचान 24 वर्षीय दिनेश उर्फ बंदर और 24 वर्षीय परवेश उर्फ तोतू के रूप में हुई। दोनों बहादुरगढ़ हरियाणा के रहने वाले हैं। एएसआई रंधावा ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया। स्विफ्ट कार के अंदर से 7.65 के 3 और 0.315 के 2 जिंदा कारतूस और एक लोडेड पिस्टल बरामद हुई है। साथ ही इनके पास से कई आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इंटेरोगेशन में मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों बदमाश एक ही गांव के हैं और अच्छे दोस्त हैं। गलत संगत की वजह से जल्द ही दोनों क्रिमिनल्स के संपर्क में आ गए और अशोक प्रधान गैंग से जुड़ गए। दोनों ने एक साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया और दिल्ली और हरियाणा की जेलों में एक साथ बंद हुए। जल्द ही इन्होंने गैंग में अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 2015 में अक्षय डागर उर्फ के साथ मिलकर ग्राम पोचनपुर में एक धर्मकांटा कर्मचारी अनिल की हत्या कर डाली थी। उन्होंने वर्ष 2015 में ही रंजिशन दूसरे गैंग के सदस्यों की हत्या भी की थी। वर्ष 2016 में सोनीपत सीआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोविड महामारी के कारण दोनों बदमाश मई 2020 और जुलाई 2020 में पैरोल पर बाहर निकले, लेकिन पैरोल की अवधि समाप्त होने पर दोनों ने जेल में सरेंडर नहीं किया। पैरोल मिलते ही दोनों बदमाश दिल्ली छोड़कर भाग गए और अन्य राज्यों में छिपकर रहने लगे थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। द्वारका सेक्टर 23 की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने दो डेस्परेट पैरोल जंपर्स को अरेस्ट किया है और उनसे दो वेपन बरामद किए हैं। जाफरपुर थाने के एरिया में जो इनसे कन्फ्रंटेशन हुआ, टोटल 6 राउंड फायर हुए, 3 पुलिस की तरफ से और 3 बदमाशों की तरफ से। ये स्विफ्ट कार में थे। दोनों को सब्सिक्वेंटली काबू में पाया गया और उनके खिलाफ
लीगल एक्शन लिया जा रहा है। दोनों के ऊपर तीन तीन मर्डर केस है पुराने, एक द्वारका सेक्टर 23 का केस है दोनों के ऊपर मर्डर केस, उसमें इनको पैरोल मिली थी। सब्सिक्वेंटली ये जो है इन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोर्ट से इनको एक्सटेंशन नहीं मिली और ये पैरोल को जंप कर गए। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के पास जो क्रेडिबल इनपुट आया उसके बेसिस पे ट्रैप लगाकर लगाया गया और इनको सब्सिक्वेंटली इनको पकड़ा गया। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।